याली मदर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। वेलकम टू द नूरीज किचन। चलो आज अपन नूरीज के किचन में क्या बनाएंगे। रमज़ान महीना शुरू होने वाला है तो अपने को बहुत ही अच्छी सी वैरायटी बनानी है। अपन बहुत ही अच्छी सहरी के लिए, इफ्तार के लिए वैरायटीज़ बनाएंगे। तो आज अपन बहुत ही अच्छी मज़े की बिरयानी बना रहे हैं। ये मलाई बोटी बिरयानी है। ये बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ही लजीज होती है, बहुत ही मज़ेदार होती है, चटपटी सी होती है, जल्दी से बन जाती है, बहुत ही आसान रेसिपी है। तो चलो शुरू करते हैं। मलाई बोटी बिरयानी के लिए अपने को क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, चलो शुरू करते हैं। मलाई बोटी बिरयानी के लिए अपने को क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। मलाई बोटी के लिए अपने को चाहिए 2 पाउंड चिकन। ये 2 पाउंड चिकन है, ये चिकन ब्रेस्ट है और चिकन थाई है, बोनलेस है। इसको मैंने काट के इतने छोटे छोटे पीस करके और इसको मैंने धो के नमक लगा के रखा है। तो ये चिकन बोटी के, मलाई बोटी के लिए अपने पास चिकन है। यहाँ पे ये 2 चम्मच भरकर है ना, तो गरम मसाला है। 4 चम्मच भरकर कैश्यू नट पाउडर है। 1 चम्मची है ना ब्लैक पेपर है। यहाँ पे ये ना तो चिकन बोटी मलाई का मसाला बनाया है। इसमें सौंफ है, सफ़ेद ज़ीरा है, धनिया पाउडर है और इलायची है। ये सब मिक्स करके और इसको मैंने पीस के रखा है। यहाँ पे ये सूखी मेथी अपने पास 2 चम्मच भरकर। यहाँ पे ये 3 प्याज है, मैंने इसको स्लाइस करके रखी है। यहाँ पे ये 3 आलू लिए हुए, आलू को काट के और इसको मैंने आधे पीस करके रखे। यहाँ पे ये 2 चम्मच भरकर घी, बटर घी। यहाँ पे 1 कप है ना मेरे पास, ये दही है। यहाँ पे ये 1 कप है ना तो हैवी व्हिप क्रीम है। यहाँ पे ये थोड़ा हरा मसाला बनाएंगे अपन। यहाँ पे लहसुन है, अदरक है, ये 5 हरी मिर्च है, ये धनिया पत्ती है और ये फुदीना है। ये अपने को मसाले के लिए चाहिए। यहाँ पे ये मैंने थोड़ा फुदीना रखा है, इसको अपन गार्निश के लिए रखेंगे। यहाँ पे 2 चम्मच भरकर ये लेमन जूस है। तो ये सब चीज़ें अपने को है ना मलाई बोटी मसाला के लिए चाहिए। ये अपन मलाई टिक्का के लिए, बिरयानी के लिए मसाला बना रहे हैं। ये लहसुन, हरा धनिया, ये फुदीना, ये हरी मिर्च और ये लहसुन अदरक और थोड़ी सी प्याज, इसको अपने सबको चॉप करेंगे। ये मसाला चॉप किया अपने, अब इसमें ये सब सूखा मसाला है ना ये भी डाल देंगे। ये गरम मसाला पाउडर है 2 चम्मचे, ये 4 चम्मच है ना तो कैश्यू नट पाउडर है, ये 1 चम्मची काली मिर्च है और ये है ना तो मलाई बोटी का मसाला बनाया है। आप शान का भी यूज़ कर सकते हो आपको चाहिए तो, और घर का बना के बनाना है तो वो भी कर सकते हो आप। जो भी आपको समझ में आए वो आप कर सकते हो, ईजी लगे आपको। इसमें अपन ये दही डालेंगे आधा, तो ये हैवी व्हिप क्रीम डालेंगे। इसका सबको अपन पेस्ट बनाएंगे। अच्छा मज़े का पेस्ट बन गया ये। अभी अपन ये चिकन लेंगे, चिकन को बॉयल में डालेंगे। आधा मसाला है ना इसमें डालेंगे, आधा अपन बिरयानी के लिए रखेंगे। मैं ये लेमन जूस डाल देंगे, ये थोड़ा सा घी डालेंगे 1 चम्मच के जितना। इसको मैरिनेट करके इसको 1-2 घंटे के लिए रख दो, बहुत ही अच्छी मज़े की मैरिनेट हो जाएगी, मसाला बराबर चढ़ जाएगा इसमें, बहुत ही अच्छी मज़े की खुशबू आ रही है मसाले की, बहुत ही टेस्टी है ये। बिल्कुल आसान रेसिपी है, कुछ मगजमारी नहीं है इसमें, इजी से जल्दी से बन जाती है। इसको अपन मैरिनेट करके अभी अपन फ्रिज में रख देंगे 1 घंटे के लिए, फिर मैं आपको बताऊँगी किस तरह से इसको बनाते हैं। देखो यहाँ पे मैंने डेगची रखी है, डेगची में मैंने आधी स्टिक है ना बटर की डाली थी और आधा कप मैंने तेल डाला है ये प्याज फ्राई करने के लिए। अभी इसको हम प्याज फ्राई करेंगे, इसको फुल फ्लेम पे रखेंगे और इसको प्याज को फ्राई करेंगे। इसको मीडियम ब्राउन करना है, बहुत डार्क ब्राउन नहीं करनी है। ये प्याज फ्राई होती है जब तक अपन मलाई बोटी का फ्राई करने का तैयारी करते हैं। चलो ये मलाई बोटी के लिए, फिर यहाँ पे मैंने ये फ्राई पैन ली है, फ्राई पैन में मैं आधी स्टिक बटर की डालूंगी। बटर थोड़ा वेंट होएगा, बटर को अच्छी तरह से मेल्ट होने देना।
बटर मेल्ट हो रहा है तो इसमें अपन ये बोटी मसाला लगा के रखा है ना, इसको अपन इसमें डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से पकाएंगे कि बिल्कुल सूखा हो जाए, तो थोड़ा सा इसमें है ना तो फ्लेवर आ जाएगा। इसको अपन चारकोल का थोड़ा फ्लेवर देंगे, इस पर चारकोल को चूल्हे पे रखेंगे, थोड़ा रेड हो जाएगा तो फिर इसके बीच में अपन प्याली में डाल के रखेंगे कि चारकोल का फ्लेवर आ जाएगा, तो बाजू की फ्लेवर देगा मलाई बोटी का फ्लेवर। तो इसको पकने देते हैं जब तक अपन चारकोल चूल्हे पे रख देंगे, चारकोल चूल्हे पे रखते हैं। प्याज लाल हो रही है मेरी, देखो अच्छी मजे की हो गई है ब्राउन। इसमें अपन ये आलू फ्राई करके रखे हैं, ये आलू डाल देंगे। आलू डाल के अभी ये जो मसाला अपन ने आधा रखा था वो मसाला डाल देंगे। लाल मिर्ची नहीं डालते क्योंकि ये मलाई बोटी है ना, इसका कलर भरा होता है, इसलिए अपन लाल मसाला नहीं डालते। टमाटर भी नहीं डालते। आधा दही बचा रहे थे ना, वो आधा दही डाल देंगे। क्रीम बचाई थी ना वो भी डाल देंगे। बहुत ही लजीज मजेदार मलाई बोटी का मसाला बन रहा है बिरयानी का। इसको 5 मिनट तक पकने देंगे ताकि ये अच्छी तरह से मसाला इसमें सब मिक्स हो जाए और ये ग्रेवी ऊपर है ना ये अपना तेल ऊपर आ जाए। इसको अपन ढाक के रख देंगे थोड़ी देर के लिए, तो ये मसाला अच्छी तरह से बन जाए। एक ये छोटी प्याली ली है मैं, इसमें ये मैं चारकोल डाल रही हूँ। अब ये अपनी चिकन हो गई है मलाई चिकन, पीछे से जैसे मजे की रेड हो गई है बारबेक्यू के फ्लेवर के जैसे। अब इसको अपने ना तो मसाले में डालेंगे। मैं देखचा खोल रही हूँ, वाओ क्या मज़ेदार खुशबू है, वाओ बहुत ही अच्छा लजीज मसाला बना है। ग्रेवी देखिए इसकी कितनी अच्छी है, ये तेल ऊपर आ गया है, वाओ बहुत ही अच्छा टेस्टी बना है, बहुत ही मज़ेदार है। के अंदर अपन ये चिकन बनाए ना, ये सो चिकन बन देंगे मलाई चिकन। इसमें ये अपन थोड़ा पुदीना और हरी मिर्च रखी है ना वो डाल देंगे, कसूरी मेथी है ना ये भी डाल देंगे। मसाले को 5 मिनट पकने देंगे ढक के ताकि सब ये ग्रेवी वगैरह सब अंदर बराबर से मिक्स हो जाए, बराबर मसाला चढ़ जाए अंदर। फिर इसके ऊपर अपन चावल डालेंगे। मज़ेदार लजीज। अब इसके बीच में अपन ये कोयला का रखेंगे, इसके इस पर अपन ये एक चम्मच इसको ढक के रखेंगे तो सब बारबेक्यू फ्लेवर आ जाएगा अंदर। 5 मिनट तक इसको ढक के रखेंगे, बारबेक्यू फ्लेवर आ जाएगा तो फिर ढक्कन खोलेंगे, फिर इस पर अपन चावल डालेंगे। अपने बहुत ही मज़ेदार बना है मसाला। ये मैंने कोयले का प्याले निकाल के बाहर, देखो ये मसाला कितना अच्छा मज़े का बना है, वाओ बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही लजीज है। इसके अंदर अपन ये मैंने चावल बॉईल करके रखे थे ये चावल डाल देंगे, येलो कलर डालेंगे। केवड़ा इस वाटर डालेंगे, केवड़ा वाटर अपनी चॉइस है, ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो डालो, नहीं पसंद है तो नहीं डालो। थोड़ा दूध डालेंगे,
ओवन खोला है 350 पे, मैंने प्रीहीट में ये रख दिया था, ओवन प्रीहीट हो गई है 350 पे, इसको अंदर डाल रही हूँ देखचे को। अभी अपन ढक्कन बंद करेंगे ओवन का और इसको अपन 30 मिनट्स के लिए बेक पे रख देंगे ताकि अच्छी तरह से ये सिमर हो जाए। 30 के मिनट्स के बाद अपन खोलेंगे तो बिरयानी मज़े की बन गई होगी। 30 मिनट्स हो गए, टाइमर बीप कर रहा है, टाइमर को ऑफ करेंगे अपन। बिरयानी का देगचा बाहर निकालेंगे, अभी देगचा खोलेंगे अपन। 1, 2 and 3, वाओ, इतना मजे का दम पे हो गया चावल, बहुत ही अच्छे सिमर हो गए, दम पे हो गए। अब इन अपन इसको प्लेटर में सेट करेंगे। तो प्लेटर लिया है अपने, देखो कितने अच्छे मजे का दाना बने चावल का। मसाला कितना जबरदस्त बना है। इसको अपन थोड़ा सा गार्निश करेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, थोड़ी सी प्याज डालेंगे, तली हुई प्याज है ये। मलाई टिक्का बोटी तैयार हो गई है, मैंने प्लेटर में सेटअप कर लिया है, बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही लजीज है, मज़ेदार है, चटपटी सी है। तो ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा, आप इंजॉय करेंगे। साइड में मैंने थोड़ा सैलेड बनाया है, ये अनियन सैलेड है, इसमें अनियन है, हैलोपिनियो है, टमाटो है और ऊपर मैंने स्लाइसेस रखे हैं लेमन के। तो ये सब सेटअप किया है मैंने, बिरयानी और सैलेड। तो ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, फैमिली के साथ इंजॉय कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा, बच्चे लोग को भी बहुत पसंद आएगी। तो ज़रूर बनाइएगा और मेरे कमेंट में डालिएगा कि कैसी बनी कैसी नहीं, आपको पसंद आए रेसिपी, बहुत ही आसान रेसिपी है। तो ज़रूर बनाइएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कॉमेंट करो, फैमिली के साथ इंजॉय करो। तो चलो अगली रेसिपी तक खुदा हाफिज, इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। चलो अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, इंजॉय, रमज़ान मुबारक।